नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल SSC एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम आज यानी कि 11 सितंबर को MP पुलिस में पूछे गए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के एक क्वेश्चंस की, जो कि आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस बराबर पूछे जा रहे हैं कि एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है, और अगर लाभ को हम 8% कम करके 8% कर दें तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपके क्वेश्चन हो सकते थे कि लाभ को हम 8% कम कर दें, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि लाभ को हम कम करके 8% कर दें, यानी कि अब नेक्स्ट हम सोच रहे हैं कि 8% लाभ करेंगे। जैसे कि 14% लाभ हमने किसी वस्तु को बेचा तो 2850 रुपये में बेचा एक साइकिल को, अगर हम 8% लाभ पर बेचना चाहते तब हम उसे कितने में बेचते। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आपके पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में करने क्या होते हैं, आप ये नहीं मानो, ये नहीं देखो हमसे पूछ क्या रहा है, आप ये सोचो कि हमने वस्तु को ख़रीदा कितने में, ये मान लिया। अगर आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लिया कि हमें ये मानना है कि हमने वस्तु को कितने में ख़रीदा है, तब समझो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट अगर आप ये सोच रहे कि हम इसे फॉर्मूले से सोल्व कर देंगे, 2850 का 14% लाभ बोल रहा है तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा के कर लेंगे, तो आपके फॉर्मूले एट एग्ज़ाम याद नहीं रहते। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी ट्रिक कि हमें फॉर्मूले नहीं याद करना पड़े वो कैसे हो सकता है। तो हम मान लेंगे कि हमने उस वस्तु को ख़रीदा, साइकिल को ख़रीदा 100 यूनिट पे, अब कह रहा है कि हम उस पर 14% लाभ हमें मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर 100 यूनिट की वस्तु होती उसे हम 14% लाभ में खरीदते, 14% लाभ में सॉरी बेचते, तो हमें कितने की कितने में हमें इसे बेचना होता, तो 114 यूनिट में। फिर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि हम उसे बेचना चाहते हैं 8% के लाभ पे, तब हम इसे कितने में बेचेंगे, तो 108 में। अब यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन पढ़ना, इतने आपने कर लिया, अब आपके क्वेश्चन पढ़ने के, आपका क्वेश्चन कह रहा था कि हम 14% लाभ पर बेचते हैं तब हम वस्तु को 2850 रुपये में बेचते हैं, बट यहाँ पे आपका आ रहा है कि आप 14% लाभ पर किसी वस्तु को बेच रहे हो तो आप 114 यूनिट में बेच रहे, यानी कि 114 यूनिट जो है हमारे 2850 रुपये की बराबर हो जाएगी। अब हमसे बोल रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि उस वस्तु को 8% लाभ पर बेचें, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम 100 यूनिट में किसी वस्तु को ख़रीदते हैं तो 14% लाभ पे बेचते हैं तो 114 यूनिट में बेचते हैं, तो और 8% लाभ पर बेचते हैं तो 108 में। तो यहाँ पे तो हमारा आ गया कि 114 यूनिट पर 2850 रुपये, तो आपसे पूछ रहा है 8% लाभ पे कितने में बेचते हैं, तो 108 यूनिट में, यानी 108 यूनिट हमारे बराबर है किसके, तो यहाँ से आपको निकाल लेने हैं 2850 इंटू 108 ऊपर चला गया और नीचे हमारा कितना हो गया, तो 114। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व करके आसानी से आंसर ला सकते हो, यहाँ पे हमने किया तो 54 दोना 108 और ये 57 दोना 114। अब आप 57 से इसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे कितना आ जाएगा, तो 50। तो हमारा आंसर हो गया RS 2700 रुपये में अगर हम बेचेंगे तो हमें 8% का लाभ होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि लगभग हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, बस कल आपका नहीं पूछा गया था ट्रेन से क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके बहुत आ रहे हैं। आपके क्वेश्चन है कि दो हमारी रेलगाड़ियां हैं, एक की लंबाई है 70 मीटर, दूसरे की 80 मीटर। कह रहा है एक रेलगाड़ी जो 68 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और दूसरे 40 किलोमीटर पर आवर से, और दोनों पैरेलल पटरियों पर चल रही है लेकिन विपरीत दिशा में, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, तो हमसे पूछ रहा है कितने सेकेंड में वे एक दूसरे को पार करेंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करने क्या होते हैं कि अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ अच्छे तरीके से, अगर आपके यहाँ पे जैसा कि हमने बोला कि दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, पैरेलल जा रही है, माना कि हमने हमारा एक ट्रेन इस दिशा में जा रहा है, अब दूसरे ट्रेन भी बोल रहा है कि इसके पैरेलल में जा रही है, तो दूसरा ट्रेन आपके इस दिशा में चलेगी बिकॉज पैरेलल में जा रही है तो इस दिशा में हमारे चल रही है। अब बोल रखा है कि दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को पार करती है तो कितने सेकेंड में वो एक दूसरे को पार करेगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो अगर एक ट्रेन हमारा इधर से चलता आ रहा है और एक ट्रेन ये यहाँ तक पहुँचेगा और ये यहाँ तक पहुँचेगा इस तरीके से, तो ये एक दूसरे को पार कितने देर में करेगी, इसका हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितनी दूरी एक दूसरे को पार करनी पड़ेगी, तो जितना फर्स्ट ट्रेन की दूरी हुई जो जितना सेकेंड ट्रेन की दूरी हुई, तो हमारा डिस्टेंस तो आ गया 70 + 80 यानी कि 150 मीटर। अब आपसे बोल रखा है कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल कितना है, तो 68 और 40। एक रेलगाड़ी जो आपका 68 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और दूसरी 40 किलोमीटर पर आवर से,
तो हमारा यहाँ पे अगर एवरेज स्पीड की बात करें कि कितने स्पीड से चल रही है, तो स्पीड हमारा यहाँ पे अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो अब स्पीड ऐड हो जाएगा, बिकॉज इसका भी स्पीड और इसका भी स्पीड, दोनों का स्पीड ऐड हुआ, बिकॉज दोनों एक दूसरे का, अगर एक वस्तु इधर से आ रही है गिर के आ रही है, या फिर एक आदमी इधर से आ रहा है एक आदमी इधर से आ रहा है, तो एक आदमी आ रहा है आपको 5 किलोमीटर पर आवर से, आप जा रहे हो 4 किलोमीटर पर आवर से, तो आपको दोनों को मिलने में कितना टाइम लगेगा? तो जितना उस आदमी का स्पीड हुआ प्लस जितना आपका स्पीड होगा, ये हमारा स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड कितना हो गया, तो 68 + 40 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ पे देखिए, आपसे पूछ रहा है कितने सेकेंड में एक दूसरे को पार करेगी, बट यहाँ पे हमारा किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई कितने की जरूरत है, तो 5 बटा 18 से, तो ये हमारा हो गया 18 छक्का टोटल से, इस तरीके से ये हमारा कितना आ गया, तो 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमें स्पीड पता चल गई, डिस्टेंस पता चल गई, तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू हमारा होता है क्या है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस है 150, स्पीड है 30, तो यानी कि 5 सेकेंड में दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये आपका परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है, कह रहा है 300 का 25% का 20% क्या होगा, तो आपको इसमें करने क्या है, बस जो कर रहा है वो आप करते जाओ। 300 का 25% यानी 300 × 25/100, उसका भी आपको 20%, तो × 20/100, अब जो आपका आंसर हो गया वही हो जाएगा। तो यहाँ से ज़ीरो कैंसिल कर दिया, 25 × 100 और ये 5 × 20, तो हमारा आ गया कितना, तो 15, तो हमारा आंसर हो गया 15। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट बात करें तो हमारा नेक्स्ट मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपके काफ़ी इजी थे। आपको बात कर रहा है किस चीज़ की बात कर रहा था, एक रिक्टेंगल के, इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक रिक्टेंगल है। अब आपको बोल रखा है कि ये जो रिक्टेंगल है इसकी हमारी लंबाई है 3 सेंटीमीटर और आपको परिमाप दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछ रहा है चौड़ाई क्या होगी, यानी कि ये वाले साइड, बिकॉज आप जानते हैं कि एक हमारा आयत जो होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो ये वाली साइड पूछ रहा है ये वाली साइड, और ये वाली साइड का आपका वैल्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो आप जानते होंगे एक आयत की बात कर रहा है, इसका नाम हमने कर दिया ए बी सी डी, तो एक आयत का परिमाप हमारा हो क्या सकता है, तो इसके चारों भुजाओं का योग, तो आपको पता होगा पेरीमीटर हमारा होता है। अगर आयत की पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 × L + B। अब हमारा पेरीमीटर दे रखा है 10, तो यहाँ से हम करेंगे 10 = 2 × L, लंबाई हो गया आपका 3 और बी, इसे बी ही छोड़ दिया, तो हमारा हो गया 5 = 3 + B, तो हमारा आ गया कितना, चौड़ाई हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत आ रहे हैं कि ए तथा बी एक काम को 60 दिनों में, बी तथा सी 30 दिनों में, ए तथा सी 40 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया कि आप ज़्यादा मत सोचो, बस जो दिया गया उसे सबसे पहले लिख लो। तो हमारा दिया क्या गया है कि ए और बी जो है, ए और बी की बात करें तो दे रखा है कि ए और बी एक काम को 60 दिनों में करते हैं, बी और सी करते हैं 30 दिनों में, और ए और सी करते हैं 40 दिनों में। इसके बाद का हमने आपको प्रोसेस बताया कि आप इसका तुरंत एलसीएम ले लो। एलसीएम आप अभी भी क्वेश्चन नहीं टोटल पढ़ो, बस जो दिया हुआ उसे लिख लो, उसके बाद एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लिया तो 60 + 30 = 40 का एलसीएम हो गया 120। उसके बाद आप इसे एलिगेट कर लो। अब एलिगेट करने में हमने आपको क्या बताया, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होंगे, आप हमारे एक एक वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा एलिगेट करते हैं तो हम करते क्या, एलिगेट में आपको सब्ट्रैक्शन नहीं डिवाइडेशन करना है। तो 120 / 62, 120 / 34, 120 / 43। अब ये हमारा 12243 ये सब क्या आ गया, तो 120 इसे हमें बांधते कि हमें टोटल वर्क करने थे, 120 यूनिट हमें टोटल वर्क करने थे। अब आप पूछोगे, सोच रहे हो ये 243 क्या हो गया, तो ये 243 को हम मानते हैं कि इफिशियंसी यानी कि कार्य करने की क्षमता। अब आपका ये क्षमता हो गया कि ए जो है एक काम को आपका करता है कितने दिन, ए जो है एक दिन में आप, ए और बी मिलकर एक दिन में आपका 2 यूनिट वर्क कर लेते हैं, बी और सी आपका करते हैं कितने यूनिट, तो 4 यूनिट, और ए और सी 3 यूनिट, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपसे पूछ रहा था। उसके लिए हमें ये निकालने की ज़रूरत होगी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आप अगर इन दोनों को ऐड करो तो ये a + b + b + c + a + c इस तरीके से करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 2, इन दोनों की जितनी क्षमता है उसका दुगना आपका आ जाएगा। बिकॉज अगर आप 3, 4, 5, 6 लड़कियाँ हैं आपके पास, अगर हम बोले कि लड़की जो है फर्स्ट एंड सेकेंड लड़की समथिंग, आप कुछ भी नेम मान सकते हो, वो दोनों मिलकर
एक मिनट में आपके ये काम तोड़ लेते हैं, और दो और लड़कियां हैं, वे दोनों मिलकर इसी तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे, तो आप इसे मान के देख सकते हो कि ए और बी जो है दो लड़की है, वो एक मिनट में एक आम तोड़ती है, और बी और सी जो है एक मिनट में दो आम तोड़ती है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसमें हमारे होते क्या है कि तीनों के कार्य क्षमता का जो दुगना होता है वो हमारा आ जाता है। तो तीनों के कार्य क्षमता का दुगना हमारा कितना हो गया, तो 4 × 3 = 7 × 2 = 9 यूनिट। तो तीनों का कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी आप निकाल सकते हैं कि ए बी और सी तीनों एक दिन में कितना यूनिट वर्क किया होगा, तो 9/2 यूनिट। अब हमें टोटल वर्क करने हैं 120 यूनिट, और ये तीनों मिलकर 9/22 यूनिट करते तो कितने दिनों में काम खत्म होगा, तो 120 / 9/20 यानी 120 × 2/9। तो इस तरीके से हो गया, आप इसे डिवाइड करो 3 और ये हमारा हो गया 40। तो 40 × 2 = 80 / 3 हमारा आ गया डे, या फिर हम इसे कह सकते हैं ये हमारा हो गया 26 × 2/3 डेज। इतने दिनों में हमारे तीनों मिलके काम ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइए। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।